हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बनालता किचन। आइए मैं आपके साथ आज कलम साग का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये कलम साग मैंने धो के साफ कर लिए हैं। आप भी इस तरह से ले लेंगे, काट लें अच्छी तरह से धो के। मैंने गैस ऑन कर लिया हूँ। मैंने यहाँ पर सरसों तेल एक चम्मच डाल दिया। अभी एक दो चम्मच सरसों का तेल डाल दें। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल गर्म होने से हम इसमें डालेंगे हाफ चम्मच जीरा, एक सूखा मिर्ची, चार लहसुन की कलियां कूटे हुए। सूखा मिर्ची डाल देंगे, जीरा हाफ चम्मच डाल देंगे, लहसुन का कलियां डाल देंगे, लहसुन के थोड़े से स्मेल आ रहे थे, थोड़ी सी लाल हो गए हमारे लहसुन। लहसुन हमारा लाल होने से डाल देंगे, साफ डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से मिला ले। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, टेस्टी है, बस सिंपल, बहुत सिंपल है तो बनाना। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होते हैं, बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। आइए इसमें हम नमक ऐड करते हैं। आपके फ्लेवर के हिसाब से, आपके स्वाद अनुसार आप नमक डालें। बहुत ही कम ही नमक लगते हैं, ज़्यादा नहीं मत डालिए। आप चाहे तो इसमें शुगर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं शुगर। अच्छी तरह से हम इसको मिला के इसे हम ढक देंगे, इसका फ्लेम कर देंगे एकदम मीडियम। हम इसे थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा देर बॉयल हो जाएंगे तो हम इसका ढक्कन हटा के इसे थोड़ा और एक बार मिला लेंगे। साग अपने आप पानी छोड़ेंगे, उसी पानी में वो बॉयल हो जाएंगे थोड़े से। अब उसे ढक के छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उस वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। अब हम चेक करते हैं, हाँ इसका पानी कम हो गए। आइए इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ी सी हाई कर देंगे। हाई फ्लेम में इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। आप इसे एक बार बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसे लगे। आइए इसी तरह से हम मिला मिला के अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे बन गए हैं, थोड़ा फ्राई हो गए हैं। आप चाहे तो इसमें भुने हुए जीरा की पाउडर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, या तो नहीं भी कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे लगते हैं खाने में।
आप सब बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाइए नई नई वीडियोस के लिए। चलिए इसे आप प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। आइए, मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। आप इसके साथ चावल के साथ साथ खा सकते हैं, आप इसे खाली भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, खाइए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें। थैंक्स फ्रेंड्स।